दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। आपको बताना चाहूंगा कि नाबार्ड ग्रेड ए के एग्जामिनेशन के प्रीलिम सेक्शन में कौन कौन से टॉपिक आते हैं और आपको इस प्रीलिम्स को कैसे क्वालिफाई करना है। मैं आपको हर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जो आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है। देखो, ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के एग्जामिनेशन होते हैं, ये सबसे ज़्यादा अगर अहम होते हैं वो दोस्तों इनके अलग अलग जो स्टेजेस होते हैं, जैसे कि स्टेज टू हो गया, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जो हमारा इनिशियल स्टेज है उसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आपने थोड़ी सी अच्छी प्रैक्टिस कर ली है। प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इस मोमेंट में ज़्यादातर मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस बनाएं, क्योंकि क्या होता है, मॉक से हमें ये आइडिया लगता है कि हम रियल टाइम पर कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि अगर हम पूरे मॉक को एनालाइज कर लेते हैं और ऐसे हम मल्टीपल मॉक्स बनाते हैं, उससे हमारी एनफ रिविज़न हो जाती है, प्रैक्टिस भी अच्छी खासी हो जाती है। तो देखो, जो आपका प्रीलिम्स वाला सेक्शन है उसमें आपका क्या रहता है, उसमें आपके जो स्टेजेस हैं, जैसे आपका रीजनिंग है 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश के 30 होंगे, कंप्यूटर नॉलेज के 20 होंगे, क्वांट के 20 होंगे और डिसीजन मेकिंग के 10 होंगे। उसके बाद ये जो 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो आपका मेंस के लिए क्राइटेरिया बनता है वो इन्हीं तीन के बिहा पर बनता है, और ऊपर वाले जो सेक्शंस होते हैं वो दोस्तों आपके क्वालिफाइंग होते हैं। ठीक है, मतलब ये कहा जाए कि हमें थर्ड वाले में जो नीचे 6, 7, 8 बता रहा हूँ, इन पर सबसे ज़्यादा अपना फोकस रखना है। क्वालिफाइंग सेक्शंस जो हैं वो आपसे 1 से लेकर 5 तक हैं, जिसमें आपका रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांट और डिसीजन मेकिंग होता है। अब देखो क्या होता है कि रीजनिंग बहुत आसान आती है अगर आपने थोड़ी सी पजल्स वगैरह की प्रैक्टिस कर रखी है। ये जो मैं आपको यहाँ पर एक फ्री मॉक टेस्ट के बारे में पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूँ, ये प्रैक्टिस मॉक का है। बेसिकली प्रैक्टिस मॉक ने ग्रेड ए एग्जामिनेशन के लिए एक ऑनलाइन जो है ये मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया हुआ है, और ये कम्प्लीटली फ्री है। आप इसको एक बार ऑप्ट करेंगे तो आपको ये सारे सेगमेंट यहाँ पर मिलेंगे, अप टू डेट क्वेश्चंस भी मिलेंगे। बस इसमें क्या है कि एक से काम होगा नहीं, क्योंकि आपको प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी करनी पड़ेगी। तो देखो, ये 10 मॉक टेस्ट आप बनाओगे, इसके बाद में जो आपका ESI एंड ARD का पेपर है उसके बारे में 1, 2, 3 इस तरीके से इन्होंने 8 से ज़्यादा ही, बल्कि लगभग यहाँ पर आप देख पाओगे 12-14 इन्होंने दे रखे हैं। ठीक है, 15 टोटल यहाँ पर दे रखे हैं। अब मैं आपको जो मेन एरिया बताना चाह रहा हूँ वो मेरा दोस्तों कंसर्न ये है कि पजल्स के साथ साथ में, जैसे रीजनिंग में आपका पजल का सेगमेंट भी रहेगा, इसके अलावा आपका सेलोगिज्म्स भी रहेगा। ठीक है, तो ये पहले आप टॉपिक्स करके जरूर जाना है। जैसे आपने सेलोगिज्म कर लिया, ये आपको देखने को मिलेगा। पजल्स आपकी एक आएगी, इजी पजल होगी तो आप उसको आराम से बना लोगे। पजल प्रीलिम्स में बहुत टफ नहीं आती हैं, बिल्कुल 1 से 2 आप जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ हैं उसमें पजल को ख़त्म कर दोगे। पजल्स के भी टाइप हैं, जैसे आपको लीनियर पजल दे दी गई, बॉक्स पजल दे दी जा सकती है, सर्कुलर अरेंजमेंट दे दिया जा सकता है। तो ऐसे पजल्स आपके एग्जामिनेशन में दोस्तों आ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके डेटा सफिशेंसी के भी हो सकते हैं रीजनिंग वाले सेक्शन में, तो इनको भी आप अच्छी तरीके से कर जाओगे। और इनइक्वालिटी हो गया आपका, ये हैं आपके, ठीक है। और जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, इनको आप पढ़ लो, ये इजी टॉपिक्स हैं, आराम से आप कर सकते हो। इसके अलावा आप देख सकते हो कि एक कुछ क्वेश्चंस आपके स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, वो भी आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो आप इन टाइप की प्रैक्टिस आपको करनी है इस फॉर्मेट में, ठीक है। दूसरा जो यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा था, क्वांट वाला सेगमेंट, क्वांट वाला जैसे रीजनिंग हुआ, ये आपका 4 नंबर पर जो क्वांट है 20 मार्क्स का, इसमें क्या आपका सीन रहता है, आप ऐसा देखो। जैसे आपके टॉपिक्स बता रहा हूँ, एक आपका DI भी हो सकता है, सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, अप्रॉक्सीमेशन भी आपका हो सकता है, जो आपके नंबर सीरीज होते हैं वो आपके हो सकते हैं, और जो अरिथमेटिक के क्वेश्चंस होते हैं वो आपके देखने को मिल सकते हैं, जिसमें आपका टाइम एंड वर्क हो जाएगा, आपका प्रॉफिट लॉस हो जाएगा। ठीक है, आपका रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस हो सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका हो सकता है, SICI हो सकता है, मेंसुरेशन के 1-2 क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो इस फॉर्मेट में आपका ये वाला सेगमेंट बनता है। तो आप कोई भी बुक से प्रैक्टिस कर लो जो कि आपकी बैंक PO और क्लेरिकल लेवल की है, वहाँ से आपका ये वाला सेगमेंट क्लियर हो जाएगा। कंप्यूटर में ज़्यादा टेंशन मत लेना, कंप्यूटर में क्या है कि आपका इनिशियल यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, ठीक है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आपकी कौन कौन सी हैं, MS ऑफिस के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे,
ठीक है, या फिर आपसे क्वेश्चंस जैसे कभी कभी डीबीएमएस का बिल्कुल इनिशियल पूछ लेता है, कंप्यूटर नेटवर्क का इनिशियल पूछ लेगा, तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है कंप्यूटर सेगमेंट में रहती हैं। इंग्लिश आपका कम्प्लीटली एडवेल बेस्ड रहेगा, जैसे आप जो न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो बाहर से चीज़ें आप इंग्लिश में कर पाओगे। इंग्लिश में रीडिंग स्किल्स हैं, जैसे आपका आरसी हो गया, रीडिंग कम्प्रेंशन हो गया आपका, आप देख लोगे क्लॉज टेस्ट आपको देखने को मिल सकता है, आपसे फिलर्स हो गए, एरर स्पॉटिंग हो गई, फ्रेज रिप्लेसमेंट हो गया, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके यहाँ पर होंगे। डिसीजन मेकिंग वाले में कम्प्लीटली आपका लॉजिकल बेस्ड होगा कि आप क्या वहाँ पर क्वेश्चंस को रीड करके किस फॉर्मेट में रिएक्ट वहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी आसान होगा। मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो दोस्तों आपके तीन है, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज और एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, इनके लिए आपको अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा, सबसे पहले कुछ ऐसे पीडीएफ कंटेंट जो आपको इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्पज से, उनको अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, इसको ध्यान से आप समझना। देखो क्या है कि जो नाबार्ड ग्रेड ए का कंप्लीट कोर्स पैकेज है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर रखी गई हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज, इसमें आपके स्टडी नोट्स हैं, रिविज़न नोट्स और आपकी क्विजेज हैं। इसके बाद आप देखोगे एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ARD, इसमें स्टडी नोट, रिवीजन और आपके क्विजेज रखे हैं। मंथली करंट अफेयर्स कंप्लीट आपको कंप्रेहेंसिव और रिलेवेंट कवरेज मिलेगा ESI और ARD करंट अफेयर्स से रिलेटेड। फिर आपका जो कंप्रेहेंसिव कवरेज है, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स रिलीज बाय गवर्नमेंट है, जैसे कि आपकी जो वर्ल्ड बैंक हो गई IMF और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन UNDP अदर्स, इनकी जो रिपोर्ट आती है वो आपकी इंपॉर्टेंट है। एक कंप्रेहेंसिव कवरेज होगा आपका रिलेवेंट गवर्नमेंट स्कीम्स का, ये सारी चीज़ें आपको कंटेंट PDF फॉर्मेट में मिलेगा, ठीक है। तो इसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बेसिकली आप ऐसा समझें कि जो फ्री टेस्ट है, आप जब यहाँ पर देखोगे फ्री टेस्ट में तो यहीं पर लिखा है क्लिक हेयर टू व्यू नाबार्ड ग्रेड ए फेज टू नोट्स, ठीक है, ये आपके अगले फेज के लिए इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे, इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें आप एक एक PDF देख भी सकते हो, जैसे ये देखो स्टडी नोट्स में ये फ्री PDF है, इकोनॉमी की पूरी PDF आप यहाँ पर देख सकते हो, व्हाट इज़ इकोनॉमिक, इन्होंने बहुत ही डिटेल्ड अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को बना रखा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है। अब नेचर एंड फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये आप दो इंडेक्स में टॉपिक्स को सब कर सकते हो अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपको PDF फॉर्मेट में आपको मिलेगा और आप इस कंटेंट को एक्सेस कर सकते हो। इसका लिंक मैं आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखो पहला आपका फोकस करना है कि मुझे इसका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन अच्छे से देना है, साथ में अपने रिटन नोट्स वगैरह के ऊपर फोकस करते रहना है, और जितनी ज़्यादा रीडिंग करोगे उतनी, क्योंकि ये बड़े एग्जामिनेशन जैसे कि RBI ग्रेड भी आपका हो गया, नाबार्ड हो गया, CB हो गया, इसमें आपकी जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, रीडिंग स्किल्स है, बुक्स को डेप्थ में पढ़ना, वो चीज़ें आपकी फ्यूचर स्कोप के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। इनके जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होते हैं तो आसान होते हैं, हर एक क्वालिफाई कर लेता है, लेकिन जो आगे की स्टेजेस होती हैं ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। तो बस आपको इस फॉर्मेट में अपनी चीज़ें करनी है, और जैसा मैंने आपको बताया कि ऊपर की PDF इसमें आपको 10 कंप्लीट मॉक टेस्ट Phase 1 के और Phase 2 इन दोनों के मिलेंगे, और ये जो फीचर है इसमें स्टडी नोट्स है आपका, रिवीजन नोट्स हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज क्विजेस आपको मिलेंगी, स्टडी नोट्स 100% मैप्ड ऑन द सिलेबस ऑफ नाबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन के हिसाब से बनाए गए हैं, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। नो फिलर कंटेंट, ओनली रिलेवेंट एंड इम्पॉर्टेंट कंटेंट, यही प्रैक्टिस मॉक ने रखा है। तो मुझे लग रहा है कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको इन चीज़ों को ऑप्ट करना चाहिए, ओके। और बाकी आपकी कोई क्यूरी हो तो आप ज़रूर नीचे पूछ सकते हैं, और इन PDF को आप यूटिलाइज़ करें, और इनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्जामिनेशन के हिसाब से, ये काफ़ी जो है प्राइम मटेरियल है, ओके। और पहले ये वाला जो फ्री टेस्ट है इसको बनाओ और देखो आपका कितना स्कोर आ रहा है, और शेयर जरूर करना मेरे साथ में अपना स्कोर, और जो एनालिसिस है वो आपको मिल जाएगा क्वांट वगैरह का, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो आगे हम फिर मिलेंगे अगले सेशन में दोस्तों, सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। फ्री मॉक टेस्ट को एक्सेस करें, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को दिया गया है।